अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाल्लाह, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अच्छा, तो आपका अपना नाम बताइए। हमजा फराज। हमजा फराज, आपके लिए क्वेश्चन है। जी जी, पूछो। अगर आपको मरते दम तक एक डिश, एक खुराक खाना पड़े तो आप क्या खाओगे? डिश तो हम नहीं खाते यार। क्या बोला तूने? क्यों नहीं, इंग्लिश खुराक को इंग्लिश में डिश कहा जाता है ना। तो चलो ठीक है, मरते दम तक आपको खाना पड़े तो आप क्या खाओगे? मरते दम तक? मरते पूरे जिंदगी आपको वो चीज़ खाना पड़ता है तो आप क्या खाओगे? पूरी जिंदगी तो एक चीज़ नहीं खाते सब। नहीं, वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर खाना पड़े तो क्या खाओगे? एक बार हाँ, फिश, मछली। फिश वो क्यों? मुझे पसंद है वो। अच्छा, आपको पसंद है? हाँ जी। अच्छा, वो कौन सा मुल्क है जिसे बच्चों का मुल्क कहा जाता है? पाकिस्तान। क्यों? सब मुल्क बच्चों का मुल्क है, सब में बच्चे होते हैं। वो स्पेशली बना ही बच्चों के लिए? बना ही बच्चों के लिए? हाँ। ये तो पाकिस्तान है आई थिंक। वो कैसे बच्चों के लिए पाकिस्तान बना है? बस बच्चे ज्यादा इधर होते हैं। नहीं, गलत। अच्छा, लास्ट वन। अच्छा, लास्ट। तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर। सवाल है जी जी, वो कौन सी चीज है जो है खराब लेकिन फिर भी लोग उसे पीने का कहते हैं? ये गुस्सा है। आपको कैसे पता? मुझे बस पता है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब इसने बता दिया। ये मैंने पहले से ऐसे बताया था। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमेर। उमेर हसन। उमेर हसन, आप कौन से डिपार्टमेंट हैं? मैं फार्म डी में। फार्म डी? आप पिछले बार किसी ने डी फार्म बोला था तो वो भी बहुत वायरल हो गया। हाँ, था डी फार्म बोला था। हाँ, अच्छा, से मैंने बस डॉक्टर आगे। हाँ, उमेर, आपसे क्वेश्चन है, वो कौन सा मुल्क है जिसे बच्चों का मुल्क कहा जाता है? वो कौन सा बच्चों का मुल्क? हाँ, जहाँ बस सारे बच्चे। हाँ, वो स्पेशली बनाए ही बच्चों के लिए। नहीं, ये मुल्क है और उसमें सारे बच्चे हैं। उसमें सारे नहीं, सारे बच्चे नहीं, ऐसा मुल्क है जिसे बच्चों का मुल्क कहा जाता है, वो मुल्क स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। ये तो पता नहीं है यार। नहीं पता? नहीं, हमारे ड्रामे में छोटे छोटे वो तो नहीं भेज दे वहाँ पर, जाते लोग घूमने के लिए जाते, लेकिन स्पेशली बनाया गया है बच्चों के। नहीं, आई डोंट नो अबाउट। अच्छा, चलो दूसरा सवाल आपसे करता हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा भागते ही रहता है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते? ये कान। कान है ना, वो इस तरह सवाल है। कान कैसा? अच्छा, जिस तरह हम देख नहीं सकते लेकिन पकड़ सकते हैं, वो कान है। एक चीज है जो हर वक्त भागता ही रहता है। हाँ। भागता है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। ये तो बहुत सी चीजें हो सकती। क्या चीज है? मतलब एनिमल्स में भी हो सकते हैं कि कोई एनिमल है वो भाग रहा है, वो जंगल में कोई एनिमल जितना भी बाकी फाइनली पकड़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसे चीज़ें जो जिसे आप बिल्कुल पकड़ ही नहीं सकते, नहीं सकते। ये रूह। रूह भी है ना वो? हाँ, क्या है फिर? लास्ट गेस कर ले यार। ये मुश्किल सवाल है, मैंने कहा कि कोई आसान सा पूछेंगे आप। अच्छा, अगर आपको पूरी ज़िंदगी के लिए एक चीज़ खाना पड़े तो आप क्या खाओगे? पूरी ज़िंदगी आपको वही चीज़ खाना होगा? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं चावल। अच्छा, चावल आप कहोगे पूरी ज़िंदगी के लिए? नहीं, अगर कंडीशन ऐसे बना दी जाए, आपने कहा कि इम्पॉसिबल। हाँ, हाँ, है लेकिन। तो आप क्यों चावल? आपने क्यों चावल को? पसंद है मुझे बस। पसंद है? हाँ, आप खा सको ये। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर कॉन्सेशन। भाई तो आप वीडियोस को लाइक करते हैं या नहीं मेरे वीडियोस? मैं चैनल का नाम क्या है? नहीं, टिकटॉक पर नहीं देखा वीडियो? नहीं, मैं टिकटॉक नहीं किया और पबजी मेरे ज़िंदगी में नहीं। अच्छा, और मैं यूट्यूब ईसा अहमद। सब्सक्राइब करोगे? ओके। अगर सब्सक्राइब नहीं किया फिर वीडियो अपलोड नहीं होगी, सही है? अगर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया, कमेंट करो ईसा अहमद। हाँ, ये तो ब्लैकमेल। थैंक यू जी। जैसे हाँ, मार्केटिंग। तो जी, यहाँ पर हमें कुछ बंदे मिले हैं, तो उनसे पूछते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल खान। फैसल खान, आप मेरी वीडियोस देखते हो या नहीं? हाँ, देखते। अच्छा, लाइक करते हो? बिल्कुल। अच्छा फैसल खान जी, अगर आपको कोई कहे कि पूरी ज़िंदगी के लिए आपको एक ही खुराक खाना है तो आप क्या चूज़ करोगे? फिश। वो क्यों? बस पसंद है। लाइक पूरी ज़िंदगी के लिए आप वो खा सकते हो? हाँ। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा फैसल, वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा भागता रहता है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते? अगर किसी को आता हो तो चुप रहे। पुख्तू क्यों है? पुख्तू क्यों हुआ ऐसा? सेरा, इंसान सेरा। क्या बोला तूने? लाइक भागो, कड़े हो, साया भी कड़ा होगा लेकिन वो भागते ही रहता है लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते हमेशा। इसको भी आता हो खामोश रहे, सरफा लग रहा है। क्या नहीं पता आपको? नहीं।
अच्छा लास्ट वन सवाल आपसे करता हूँ, वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खोल कर दोबारा बंद नहीं कर सकते? क्या दोबारा बोलो? वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खोल कर दोबारा बंद नहीं कर सकते? दोबारा बंद नहीं कर सकते सड़े बिल्कुल शब्द है खास क्या? लेस का पैकेट क्यों नहीं उसको खोल दिए दोबारा बंद नहीं कर सकते? नहीं आता आपको? नहीं। अच्छा जी, तो ऐसे भी नहीं आता। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है तो उसने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया है, लेकिन गलत जवाब दिया है इसने भी। वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खोल कर बंद नहीं कर सकते? लेस का पैकेट। क्यों नहीं हम बंद कर सकते हैं? हीट देकर दोबारा बंद कर सकते हैं। तो जब वो खाली हो जाएगा उसको बंद करने का फ़ायदा क्या है? नहीं खाली नहीं ना, ऐसी चीज़ है जिसे हम खोलते हैं लेकिन फिर बंद नहीं कर सकते। इलियास तू बता क्या हिसाब है। अच्छा दूसरा सवाल आपसे करता हूँ, बहुत ही ईजी है। वो कौन सी चीज़ है जो हम पैदा होने से पहले भी खाते हैं और पैदा होने के बाद भी खाते हैं? ये अंडा है जो पैदा होने से पहले, चूजे पैदा होने से पहले खाते हैं और फिर उसका मुर्गी बना के। बिल्कुल सही जवाब, ये बहुत इंटेलिजेंट है। इससे लास्ट वन सवाल करता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि कोई बता नहीं सकता, लेकिन मैं भी ये बता दें। वो कौन सी चीज़ है जो हर वक्त भागता रहता है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते? वक्त। वाओ जबरदस्त, बचत इसमें ये हुआ कि इसमें पर इस पर मैंने इनाम नहीं रखा था तो बस आज के लिए इतना ही। दूसरे से पूछता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं शुक्र अल्लाह, कैसे हो? बस आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, वो कौन सा चीज़ है जो हम एक बार देखते हैं दूसरी बार नहीं देख सकते? अच्छा ख्वाब। नहीं ख्वाब नहीं, ख्वाब है। एक बार देखते हैं दूसरी बार नहीं देख सकते? नहीं। फिर क्या होता है? एक बार देखते हैं दूसरी बार नहीं। मौत। मौत नहीं, बस उन्होंने तो दूसरा सवाल। तो आपका नाम? मोहसिन खान। मोहसिन खान, आप कौन से डिपार्टमेंट से? डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अच्छा डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अच्छा मुझे लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर हो। जी सर बिल्कुल। बाय द वे ऐसे मुझे कहा कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, फॉलो भी किया है, सो थैंक यू फॉर दैट। आपसे क्वेश्चन है। जी सर। बहुत इजी है, मे भी आपको आता भी हो। जी सर। वो कौन सा मुल्क है जिसे बच्चों का मुल्क कहा जाता है? बच्चों का मुल्क? हाँ ये सर पाकिस्तान हो सकता है, यहाँ पर सब बच्चे है, या हमारा सर डिपार्टमेंट हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे है। नहीं वो ऐसा है ना कि स्पेशली बस बच्चों के लिए बना है। मुल्क है, बड़े नहीं है? बड़े भी जा सकते हैं लेकिन बना बच्चों के लिए। सर आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने कहा सर यूनिवर्सिटी, कैसे सर यूनिवर्सिटी? यहाँ पर सारे बच्चे हैं ना, देखो ये पूरे बच्चे बच्चे हैं। वैसे सच कह रहा है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा हैं। बच्चे। तो जी मैं इस वक्त जस के साथ खड़ा हूँ, तो ये जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया यूनिवर्सिटीज़ में तो ये मुझे तब से फॉलो कर रहा है, वीडियोज़ को भी लाइक कर रहा है। मैं पहचान नहीं पा रहा था तो मैंने आज इनको पहचान लिया है। तो आज इनसे क्वेश्चन करते जो कि बहुत ही ईजी है और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे सही जवाब देंगे। तो सबसे पहले नाम पूछते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इख्तिशाम अफरीदी। हाँ अफरीदी, अफरीदी ही नहीं बोली लिखे यार, बस ये दमीने नमी दी करे, मीने नदी लिखे ले। अच्छा अफरीदी से पूछते हैं सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा सोया रहता है लेकिन मरता नहीं है? वो सोया रहता है और मरता नहीं है, हमेशा वो मतलब सोया ही रहता है लेकिन फिर भी नहीं मरता वो? मेरे ख्याल में तो सूरज है। सूरज सोया रहता है वो रात को सोते हैं ना। मरता नहीं है। नहीं वो हमेशा के लिए होता है, इस दिन और रात और शाम और सुबह वो सोया रहता है। वलादा होटल ग्रैंड यार। अच्छा दूसरा सवाल, वो कौन सा मुल्क है जिसे बच्चों का मुल्क कहा जाता है? मेरे ख्याल में तो चाइना। वो कैसे? बस वो उसको कहा जाता है पता नहीं, लेकिन कभी दे यूट्यूब पे देखा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। चाइना नहीं है, फ्रांस होगा। फ्रांस में देते हैं लंबे लंबे। नाइस। जापान है। ये सवाल भी इसने गलत बताया। बाय द वे थैंक यू अफरीदी फॉर यूर आंसरिंग। एक भी सही नहीं बताया, बेचारा सारा दिन स्क्रॉलिंग करता है लेकिन एक सवाल भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाल्लाह कन्फर्म जन्नती है। आपका नाम? हसनैन यूनस। हसनैन यूनस, आपके लिए क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है। वो कौन सी चीज़ है जिसका सर है पर दिमाग नहीं है, जिसकी जो बोल सकता है पर उसकी ज़ुबान नहीं है? बोल भी सकता है, ज़ुबान नहीं है, सर भी है, दिमाग नहीं है, वो कौन सी चीज़ है?
ये तो बड़ा मुश्किल सवाल किया है आपने। सोच लो, बहुत ईजी है। ये स्केलेटन हो गया ना? तो क्या हो गया? यू हैव 10 सेकंड थिंक अबाउट दैट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। थोड़ा सा क्लू दो हमको यार। एक वो कौन सी चीज़ है जिसका सर नहीं हो, सर होता है लेकिन दिमाग उसमें नहीं होता, बात कर सकता है जुबान उसकी नहीं होती? ये तो मशीन हो सकता है ना। मशीन क्लोज हो, कौन सी मशीन? रोबोट। रोबोट होगा ना? रोबोट, हाँ, सम हाउ ही इज क्लोज। रोबोट नहीं है लेकिन क्लोज हो इसकी। अब ये क्या हो सकता है? चलो ये छोड़े, दूसरा सवाल इससे पूछता हूँ। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा सोता रहता है लेकिन मरता नहीं है? हमेशा सोता रहता है लेकिन, मतलब वो सुबह दिन रात शाम हर टाइम वो सोया हुआ रहता है लेकिन मरता नहीं है? जानदार है। जानदार है? जब सोच लो, खुद ही सोच लो। ये हमारे साथ कोई एटम होगा। सोच लो, यू हैव 10 सेकंड। ये क्या हो सकता है? कैमरा लग सही नहीं सा गौर किया, कोई भी आके बता जाता है। कैमरा उल्टा की, क्या हो सकता है? क्या थोड़ा क्लू दो ना, हम ना हमको पता लगे। आप बड़ी मुश्किल सवाल कर रहे हैं। अच्छा लास्ट में सवाल करता हूँ, वो कौन सा कंट्री है जिसके तीन नाम है? इंडिया। इंडिया, अफगानिस्तान। क्या नहीं क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल इंडिया 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 हिंदुस्तान और बोल के दूसरा क्या? सोच दो, बहुत ईजी है तीसरा भी। ओके है ना, मैंने ठीक किया। भारत, बाय द वे, दैट्स अमेजिंग। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज आपके लिए मैं ऐसे सवाल लाया हूँ ना कि मुझे पता है कि आपको उसका जवाब नहीं आता है। चैलेंज कर सकता हूँ आप? ठीक है इंशाल्लाह, आप सवाल करें, इंशाल्लाह मैं जवाब देता हूँ। अच्छा फर्स्ट वन सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो है बुरी लेकिन लोग फिर भी उसे पीने का कहते हैं? है तो बुरी लेकिन फिर भी लोग उसको पीने के लिए कहते हैं। आप सोच लो, ये बहुत सोचने की बात है। ड्रिंक्स होगा? सिगरेट? नहीं यार, कब कौन कोई कहता है कि सिगरेट पी लो? चलो गुस्सा। गुस्सा, वाह अमेजिंग, बिल्कुल सही जवाब इसने दी है। तो चलो दूसरा सवाल इसे करते हैं, मुझे लगता है कि दूसरा तो ये बिल्कुल इसके जहन में भी नहीं हुआ कि इसका जवाब क्या है। चलो करें। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा आगे जाता है पीछे नहीं जाता? जो हमेशा आगे जाते हैं लेकिन पीछे नहीं जाता, वक़्त। वाह जबरदस्त, अमेजिंग। اردو کی وہ کون سی چیز ہے جو زندہ سے مردہ پیدا کرتی ہے، زندہ سے مردہ پیدا کرتی ہے اور مردہ سے زندہ پیدا کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ نہیں آپ نہیں بتاؤ گے اسے، کیمرے پہ نہیں بتاؤ نا، کیمرے پہ نہیں بتاؤ، وہ ٹک ٹاک پہ چیلنج۔ چلو ये आप सब के लिए चैलेंज है, इसने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मुझे कौन बताएगा? और जिससे मुझे पहले उसका पहले आप सवाल रिपीट करें। वो कौन सी चीज़ है जो जिंदा से मुर्दा पैदा करती है और मुर्दा से जिंदा पैदा करती है? अच्छा इसका इसका जवाब अगर किसी ने मुझे बताया तो उसके लिए मैं 50 रुपीज़ प्राइस दूंगा, जो भी हो फर्स्ट पर्सन के लिए मैं 50 रुपये दूंगा। वालेकुम सलाम भाई, नाम और डिपार्टमेंट? खालिद रहमान, BA सर्जिकल, 5th सेमेस्टर। मैं आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी करें। वो कौन सा चीज़ है जो आगे जाता है लेकिन पीछे नहीं जाता? वो कौन सी चीज़ है जो आगे जाता है मतलब पीछे नहीं आता? आई डोंट नो, नहीं पता है मुझे। दूसरा सवाल जी करें। वो कौन सा चीज़ है जो हम एक बार देखते हैं लेकिन दूसरी बार नहीं देख सकते? मौत? नहीं। मौत ही होगा? नहीं नहीं पता। बस उन्होंने दोनों सवाल का जवाब दो गलत दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाय द वे ये मुझे मिला है, मेरी वीडियोस लाइक करता है। कैसे होते हैं मेरी वीडियोस यार? बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, हर रोज़ देखते हो आपकी वीडियो। थैंक यू। और मुझे लगता है कि आपको तो जवाब ही फिर आते होंगे जो सवाल में पूछने वाले हो आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही है। अच्छा वो कौन सी चीज़ है जो एक बार जाता है तो वापस नहीं आता? वो मेरे जीव है। अच्छा नहीं सही बताओ। एक बार जाता है, इंसान है यार, एक बार
मौत के बाद नहीं, वो तो खैर वफात हो जाता है ना, पता नहीं यार ये कैसा चीज़ है। अच्छा दूसरा सवाल आपसे करता हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा आगे जाता है पीछे नहीं जाता? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पता नहीं यार, मैं सोच रहा था कि ये बहुत तगड़ा जवाब देगा लेकिन स्टक हो गया है। सोच लो, आगे जाता है पीछे नहीं, ये क्या चीज़ है यार। अच्छा लास्ट होने से पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है फैंस से मैं थ्री थ्री सवाल करता हूँ कि एक तो सही बताए, वो कौन सी चीज़ है जो है बुरी लेकिन फिर भी आपको लोग कहते हैं कि पी जाए? स्ट्रेंथ। ठीक है ठीक है, समझ गया। देखिए ऐसी चीज़ है ना कि हर ये ऐसी चीज़ है ना कि बड़ा भी आपको कहेगा कि पी ले, छोटा भी कहेगा, सब आपको कहेंगे कि पी ले। आपसे अलग करता हूँ, सोच रहे। चलो ये मैं ऐसे बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। गुस्सा। बोले ये क्या चीज़ है? गुस्सा। वाह जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब इसने बताया, थैंक यू जी, जजाक अल्लाह।